नॉलेज ऑफ एवरीथिंग के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे हजरात, हमारा मुल्क भारत मुख्तलिफ तरह के ऐतिहासिक चीजों और जगहों से भरा पड़ा है। इन्हीं ऐतिहासिक जगहों में से एक जगह ऐसी है जिस जगह के बारे में लोगों का ये मानना है कि यहाँ मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। जी हाँ हजरात, मैं बात कर रही हूँ मैनर शरीफ की। आज मैं आपको इस ऐतिहासिक जगह से जुड़ी तमाम तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप मैनर शरीफ से जुड़े तमाम तरह की ऐतिहासिक बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो चलिए हजरात, बगैर किसी वक्त जाया किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तारीखी मॉन्यूमेंट हिंदुस्तान के स्टेट बिहार में पटना से 24 किलोमीटर दूर वेस्ट में वाक्य है। हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग यानी मैनर शरीफ में दो सूफी सेंट मखदूम यहिया और मखदूम दौलत शाह के मकबरे वाक्य हैं। ये मकबरे बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के नाम से मशहूर है। इस पूरी दरगाह को गंगा और सोन रिवर के मिलने के मुकाम पर बनाया गया है। हजरात, इस जगह के बारे में लोगों का ये मानना है कि इस दरगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, लिहाजा इसी वजह से यहाँ काफी तादाद में लोगों की भीड़ सालों साल रहती है। नाज़रीन, मैनर शरीफ को उस वक्त बनाया गया था जब 1608 ईस्वी में मखदूम शाह दौलत इनका इंतकाल हो चुका था और ठीक इसी जमाने में बंगाल के गवर्नर इब्राहिम खां कैकर थे, लिहाजा इन्होंने इनके नाम पर एक दरगाह बनाने का फैसला किया और एहतियात का ये फेमस दरगाह 1616 में बनकर तैयार हुआ। मैनर शरीफ की दीवारों को काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके सीलिंग्स में कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई हैं। इन तमाम चीजों के साथ साथ ये दरगाह अपनी मुख्तलिफ किस्म के लड्डुओं के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के लड्डुओं में जैसे मोटी चूर का लड्डू जिसे पूरे तौर पर घी पर बनाया गया है काफी मशहूर है और बहुत ही टेस्टी माना जाता है। और इन चीजों के साथ साथ इस दरगाह में लड्डुओं की काफी पुरानी पुरानी दुकानें वाकई हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आप एक बार यहाँ जरूर जाएं और यहाँ के लड्डुओं को जरूर टेस्ट करें। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।